हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग 15th चैप्टर विच इज एटम्स एंड न्यूक्लियर, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला एमसीक्यू है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। ग्राउंड स्टेट में हम लोगों को हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी पता है, तो टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको आई ई बोल दूंगा इन फर्स्ट स्टेट, वो रहेगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। हमेशा याद रखो आयोनाइजेशन इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो व्हाट इज माइनस ऑफ -13.6 विच इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पे बहुत से बच्चे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे टिक करके गलत कर सकते, वो टोटल एनर्जी है एंड यू आर आस्क्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया सबको? सेकेंड क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन आइटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इज इक्वल टू 2s। एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है। अब देखो, अपने को पता है फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों पता है अपने को। अब एक्साइटेशन एनर्जी यानी क्या होता है, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, यानी क्या एनर्जी लगेगी, तो सो दैट वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। सिंपल एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला है E2 - E1, यानी जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां की एनर्जी माइनस जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां की एनर्जी, तो कितना आ जाएगा है? -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो इट इज 13.6 -3.4 विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी। सिंपल था ये। ओके, नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया। ओके, क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी हम लोग पढ़ लेंगे, 1.09710⁻⁷ पर मीटर, है ना, या फिर मीटर इनवर्स लिखते हैं इसको कभी कभी, मीटर इनवर्स। तो डायमेंशंस क्या आएंगे, जो मीटर इनवर्स के डायमेंशन है, यानी M0 L-1 T0, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज। फोर्थ ऑर्बिट बोला है मतलब ये m की वैल्यू है ना, सेकेंड ऑर्बिट मतलब ये n की वैल्यू है, यानी m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है ना। फॉर्मूला क्या है, 1 by λ = r ब्रैकेट में 1/n² - 1/m² ये फॉर्मूला है ना। तो वैल्यू 1 by λ यानी क्या है, वेव नंबर है, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/2² - 1/4² तो लैम्डा बार यानी वेव नंबर जो निकालना है हम लोगों को, वेव नंबर निकालना है, वेव लेंथ नहीं निकालना है, आर ब्रैकेट में 1/4 - 1/16 तो लैम्डा बार इज इक्वल टू आर, एलसीएम कितना है 16, इट इज 4 - 1 तो इट इज 4 - 1 = 3 तो 3r/16 सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ 10⁻¹⁰ मीटर इज। अब तुम सोच रहे होंगे ये तो डुअल नेचर का क्वेश्चन है, यहां कैसे आ गया, मुझे भी ऐसा पहले लगा कि एक ऐसे क्वेश्चन डाल दिया। अब हुआ ये कि पुराने सिलेबस में, यानी ये सिलेबस के पहले वाले सिलेबस में ये दोनों चैप्टर, मतलब डी ब्रॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉय वेवलेंथ का, वो था एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, पुराने सिलेबस में, लेकिन इस सिलेबस में डी ब्रॉय का कंसेप्ट डुअल नेचर में डाल दिया है ना, लेकिन बैंक में अपडेट करना भूल गए शायद, तो इसलिए वो यहाँ आ गया। एनीवेज, जहाँ पे भी आओ हम लोगों को तो सॉल्व करना था, हमारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। स्पीड निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है, तो v इज इक्वल टू h/mλ रहेगा है ना, तो v इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴, मास कितना है 9.1 × 10⁻³⁻³ इंटू वेवलेंथ कितना है 10⁻¹⁰, तो v कितना हो गया, देखो ये हो गया 6.63 / 9.1, 10⁻³ कितना बन गया नीचे -41, ऊपर गया +41, यानी 10⁻⁷ है ना, यही हुआ। ओके, हाँ,
अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 66.3 अपॉन 9.1 इंटू 10 to the power 6। अब इसको मैं लॉग से सॉल्व नहीं करूंगा, लॉग से वैसे सॉल्व कर सकते हो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करेंगे क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, तो ये आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली 7 point something रहेगा, 7 point something रहेगा। तो 7 point वाला एक ही ऑप्शन है विच इज 7.28 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। वैसे तुम इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हो, और ये अगर VSA या SA1 क्वेश्चन में आए सेक्शन, या VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में आया, या SA1 शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप में आया, तो तुमको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, आई होप आई गेस तुम लोगों को लॉग से सॉल्व करना आएगा। ओके, नेक्स्ट, द डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 0.2166 पर डे, 0.2166 पर डे। ठीक है, तुमको निकालना है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ होता है 1/लैम्डा, 1/0.2166, है ना। देखो 1/0.2 ये 5 है ना, तो ये क्या है 1/0.2166, तो 5 से थोड़ा कम रहेगा, 5 से थोड़ा कम वाला आंसर तो यही है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज 4.617 डेज। अगेन एमसीक्यू था इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया, नहीं तो इसको तुमको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी क्या, सेकेंड ऑर्बिट है ना। तो अपने को एरियाज का रेशियो निकालना है, A1/A2 निकालना है। A1/A2 यानी क्या रहेगा, R1/R2 होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अब अपने को R1/R2 नहीं पता है, पहले R1/R2 निकालना पड़ेगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी R1/R2 इज n यानी क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो A1/A2 इज 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 1/16। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया। नेक्स्ट, अब यहां से सॉल्विंग वाले क्वेश्चन चालू हो गए। द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आर नॉट चाहिए था आई गेस, इन हाइड्रोजन एटम इज 0.053 नैनोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आर नॉट स्मॉलेस्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर नॉट, ये फॉर्मूला है अपने बोर्ड्स के बुक में दिया हुआ है। एंथ ऑर्बिट का रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर इंटू 0.053 विच इज 16 इंटू 0.053, 16 3 are 48, 4 कैरी, 16 5 are 80, 84, यानी 0.848 नैनोमीटर, यह है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। समझ में आया सबको। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियोएक्टिव स्पीसीज इज 6.93 × 10⁵ सेकेंड्स, टी हाफ कितना है 6.93 × 10⁵ सेकेंड्स। व्हाट इज द डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10⁵, 0.1 ऊपर गया 10⁵, 0.1 को लिखा 10⁻¹, 10⁵ ऊपर गया 10⁻⁵, तो लैम्डा हो गया 10⁻⁶। ये टी हाफ का यूनिट क्या था, सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा पर सेकेंड। समझ में आया सबको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 6.63 kg/s, कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ। ये क्वेश्चन के साथ में भी वही हुआ है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था ये, है ना, सॉरी ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन था। लीनियर मोमेंटम यानी पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6.63
बाकी आगे कुछ नहीं दिया, केजी मीटर पर सेकेंड। डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच का वैल्यू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन पी का वैल्यू 6.63 कैंसल, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर्स। सिंपल वन है ना, ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चन सीरीज, आर एच का वैल्यू दिया है ना। नाउ फॉर्मूला क्या है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर, ठीक है। नाउ पाश्चन सीरीज के लिए फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना, इन पाश्चन सीरीज ऐसा लिखना पड़ेगा है ना, पाश्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, पाश्चन सीरीज लाइमन बाल्मर पाश्चन यानी एन जहां से गिर रहा है, मतलब जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, एन की वैल्यू है ये 3 है ना। अब फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब एनर्जी कम रहेगी है ना, और एनर्जी कम रहेगी जस्ट उसके ऊपर वाले ऑर्बिट के लिए यानी एम की वैल्यू 4 रहेगी, ये याद रख लो। लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन के लिए एन की वैल्यू 1 है, बाल्मर के लिए एन की वैल्यू 2 है ना, पाश्चन के लिए एन की वैल्यू 3 है, और लॉन्गेस्ट के लिए एम की वैल्यू 4 होती है, उससे ऊपर एक ऊपर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एम ऊपर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एम की वैल्यू इन्फिनिटी, याद करके वहां पे पॉइंट लिख लो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एम की वैल्यू इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एम की वैल्यू है एन प्लस 1, याद रखो ठीक है, एन प्लस 1 ठीक है। सारे वैल्यूज डालेंगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर है ना, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16, इसको अगर सॉल्व किया तो 1 बाय लैम्डा का वैल्यू आया 7R अपॉन 144, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 144 अपॉन 7R, 144 अपॉन 7 इंटू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, 144 अपॉन 7 इंटू 1.097, 7 7 जा 49, 4 7 9 जा 63, 67 ऐसा, 10 का पावर माइनस 7 ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 144 टू पॉइंट और नीचे क्या है, लॉग 7.679 जीरो पॉइंट ठीक है। लॉग से सॉल्व करेंगे अब इसको, तो 144 का लॉग क्या है, 144 का लॉग यानी 14 का 4 में 1584 ठीक है, 76 का 79 में, 76 का 7 और 9 में मेन डिफरेंस 8853, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 5 3, 15 माइनस 8 7 1 कैरी, 11 माइनस 9 2 1 कैरी, एंटीलॉग है ना, 0.27 का 31 में, 0.27 का 31 में 1875 यानी हो गया 18.75 है ना। सो वेवलेंथ जो आया ये आया 18.75 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में डिवाइड बाय 1000 है ना, तो 18.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 18750 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया सबको, सिंपल था, ओके। नेक्स्ट,
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिया हुआ है, एल थ्री का वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 3.165 10 टू द पावर -34 के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अपने को एच निकालना है ना, एंथ ऑर्बिट में कितना होता है एन एच अपॉन 2 पाई, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना रहेगा 3H/2π, तो H की वैल्यू कितनी हो गई 2π × L3/3 है ना, तो H की वैल्यू कितनी हो गई फिर 2 × π यानी 3.14 × 3.165 10⁻³⁴ / 3 है ना, 3 का डिवीजन हो रहा है क्या यहाँ पे, ये हो गया 6.28 इंटू, इसको अगर 3 से कट किया 1.055, तो 1.055 × 10⁻³⁴। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, लॉग से कर लेते हैं, लॉग 6.28 जीरो पॉइंट, लॉग 1.055 जीरो पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, सॉरी एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, 6.28 का लॉग 62 का 8 में 7980, 10 का 55 में, 10 का 5 और 5 में मेन डिफरेंस है ना 0233, ये हो गया 3 11 1 कैरी 12 1 कैरी 8। एंटीलॉग 0.82 का 13 में, 0.82 का 1 और 3 में मेन डिफरेंस 6627, तो 6.627 है ना, तो एच का वैल्यू आ गया 6.627 10⁻³⁴, यूनिट लगाओ जूल सेकेंड्स, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एच का वैल्यू, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 3.2 डेज, कैलकुलेट डीके कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ है ना, हाफ लाइफ दिया है टी हाफ कितना 3.2 डेज। अपने को सबसे पहले निकालना है डीके कांस्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/t½ यानी 0.693/3.2 है ना, लॉग 0.693 बार 1 पॉइंट और लॉग 3.2 जीरो पॉइंट, ठीक है, 69 का 3 में, 69 का 3 में 8407, 32 का 0 में 5051, 7-1 6, 10-5 5 1 कैरी, 4-1 3, 8-5 3 12, एंटीलॉग 0.33 का 56 में, 0.33 का 5 और 6 में मेन डिफरेंस 2166, तो 0.2166, तो करेक्ट आंसर इज लैम्ब्डा का 0.2166 पर डे क्यों आया, क्योंकि टी हाफ तुम्हारा डेज में है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ इज 1/λ यानी 1/0.2166, ये ऑलरेडी एमसीक्यू में पूछा जा चुका था, लेकिन क्योंकि वो एमसीक्यू था अपन ने सॉल्व नहीं किया, लेकिन ये SF1 का क्वेश्चन है तो अपन सॉल्व करेंगे है ना, लॉग 1 0.0000 नाउ लॉग 0.2166 बार 1 पॉइंट 21 का 66 में है ना, 21 का 6 और 6 में मेन डिफरेंस 3357 10⁻⁷⁴ 1 कैरी 10⁻⁶⁴ 1 कैरी 10⁻⁴⁶⁴ 1 कैरी 10⁻⁴⁶⁴ 1 कैरी 0 पॉइंट 0.66 का 4 3 में, 0.66 का 4 और 3 में मेन डिफरेंस 4616 है ना, तो 4.616, तो इसका आंसर आ गया 4.616।
अब ये एवरेज लाइफ है, मतलब ये टाइम है, लैम्बडा का यूनिट क्या है पर डे, तो इसका यूनिट आएगा डेज, ठीक है। तो एवरेज लाइफ आ गया 4.616 डेज, समझा सबको। नाउ एसे टू, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट थ्री लाइन्स इन द पाश्चन सीरीज, है ना, पाश्चन सीरीज के लिए, फॉर पाश्चन सीरीज, एन की वैल्यू कितनी है, लाइमन बाल्मर पाश्चन, एन की वैल्यू 3, अभी सॉल्व किया था ना। अब पहली तीन लाइन्स है ना, तो फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन एम की वैल्यू क्या रहेगी 4, है ना, तो क्या आ जाएगा 1 by λ1 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 by m² माइनस 1 by n² सॉरी n चाहिए था माइनस 1 by m², ठीक है, 1 by λ1 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 by 3² माइनस 1 by m² यानी कितना हो गया 4² ठीक है, तो 1 by λ1 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 by 9 माइनस 1 by 16, ये सॉल्व किया था ना अपन ने, तो ये 1 by λ1 इज इक्वल टू 7r/144, तो इसका सॉल्विंग ऑलरेडी किया था 18750 एंगस्ट्रॉम, ये ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले के ही क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो वापस सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर सेकेंड लाइन, ठीक है, एम की वैल्यू कितनी रहेगी 5, तो 1 by λ2 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 by 5² सॉरी 1 by 3² माइनस 1 by 5², ठीक है, तो 1 by λ2 इज आर ब्रैकेट में 1 by 9 माइनस 1 by 25 विच इज 25 माइनस 9 यानी 16r/225, है ना, तो लैम्डा 2 का वैल्यू कितना हो गया फिर 225/16r, है ना, तो लैम्डा 2 का वैल्यू कितना हो गया 225/16 × 1.097 × 10⁻⁷, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले नीचे के लॉग की एडिशन कर लेंगे, फिर ऊपर के लॉग में से वो माइनस करेंगे, है ना, तो पहले निकालेंगे लॉग 16 log 1.097 0, इनके एडिशन, 16 का log क्या है बेटा 2041, है ना, 16 का log 2041, और 1.097 का log कितना आ जाएगा 10 का 9 और 7 में मेन डिफरेंस, तो इट इज 13 1 carry 40 0403, है ना, यही आया क्या 03 वो आ जाएगा 03 10 का 9 और 7 में, 9 और 7 में, हाँ 0403, तो इनका एडिशन कितना हो गया 4 4 4 2 1, ठीक है। अब log 225 कितना है 2.22 का 5 में 3522, है ना, उसमें से 1.2444 माइनस करना है, 12 - 4 8 1 carry 12 - 5 7 1 carry 5 - 5 0 3 - 2 1 2 - 1 1, तो एंटी लॉग इज 0.10 का 7 और 8 में मेन डिफरेंस 1279 और 1281, है ना, तो हो गया 1.281 × 10⁻¹, तो यह हो गया 12.81 × 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻¹⁰ सॉल्व करेंगे तो 12810 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कौन से लाइन के लिए करेंगे, अब थर्ड लाइन, है ना,
फॉर थर्ड लाइन, m की वैल्यू कितनी रहेंगी, वहाँ कितनी होगी थी 5, अब m की वैल्यू 6, तो 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 स्क्वायर विच इज r ब्रैकेट में 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 36, तो 1 बाय लैम्डा 3 इज 36 माइनस 9 कितना हुआ 27 है ना, r अपॉन 9 इंटू 36, नहीं वैसे भी एलसीएम लेना पड़ेगा ना अपने को, एलसीएम 36 आ गया ना इसका, 36 4 4, तो ये हो गया 3R बाय 4 जा है ना 36, यानी हो गया R बाय 12, तो लैम्डा 3 कितना हो गया 12 बाय R, यानी 12 अपॉन 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 है ना। अब इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, तो लॉग 12 कितना हो गया 1. लॉग 12 0792, लॉग 1.097, 0403 अभी देखा हम लोगों ने है ना, 12 माइनस 3 9, 1 कैरी 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 4 3 0, 1. 0.03 का 8 9 में, 0.03 का 8 और 9 में 1.093, यानी एंटीलॉग हो गया इसका 10.93 है ना, तो वेवलेंथ हो गई इसकी 10.93 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10930 है ना एंगस्ट्रॉम। समझ में आया सबको, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था लेकिन ठीक है अब है ना, कुछ नहीं कर सकते, इतना कैलकुलेशन आएगा और मैंने पूरे लॉग के कैलकुलेशन सॉल्व करके दिया इसलिए लंबा हो गया, थोड़ा कैलकुलेशंस लंबे हो गए और क्वेश्चंस और वीडियो का लेक्चर भी लंबा हो गया है ना। चलो कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चन सीरीज इफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, हाँ ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते है ना, बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तुम इसको शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर सकते, सॉरी इसके खुद के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, गिवन है बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसको यूज करके सॉल्व करना है, तुमको निकालना है पाश्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है कैसे निकालेंगे देखो, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऐसा लिखना पड़ेगा है ना, लाइमन बाल्मर, बाल्मर की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 और लॉन्गेस्ट के लिए एक ज्यादा लिखा था ना अपन ने वहां पे कुछ देर पहले, तो इक्वेशन क्या बना 1 बाय लैम्डा बी एल इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर है ना, तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, ठीक है तो इसको सॉल्व किया तो 1 बाय लैम्डा बी एल इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, तो क्या सॉल्व हुआ इसका 1 बाय लैम्डा बी एल इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5, तो 5 आर बाय 36, तो लैम्डा बी एल की वैल्यू कितनी होगी 36 अपॉन 5 आर, ठीक है इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है अब अपने को निकालना क्या है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चन सीरीज है ना, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चन सीरीज है ना, देखो ये स्टेप्स तुमको बोर्ड्स में करने पड़ेंगे ओके, तो लैम्डा पी एस है ना, पाश्चन के लिए एन की वैल्यू कितनी है, लाइमन बाल्मर पाश्चन एन की वैल्यू 3, और शॉर्टेस्ट के लिए मैंने तुमको बताया था एम का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, तो 1 बाय लैम्डा पी एल इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा पी एल इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय 9 माइनस 0 विच इज
9 आर बाय 9 है, तो लैम्डा पी एस चाहिए यहाँ पे, सॉरी एस कर दो, एस एस वन लैम्डा पी एस कितना आ जाएगा 9 बाय आर इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो लैम्डा पी एस अपॉन लैम्डा बी एल कितना आएगा 9 बाय आर मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाता तो 5 आर बाय 36, आर आर कैंसल, 9 1 9 4 ये इधर चला गया, तो लैम्डा पी एस इज इक्वल टू 5 बाय 4 टाइम्स लैम्डा बी एल, यानी 5 बाय 4 टाइम्स क्या 6563, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 3 जा 15 वन कैरी, 5 6 जा 30 31 थ्री कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 टू कैरी 32 बाय 4, ये कितना हो गया 4 8 जा 32, 4 2 जा 0, 4 3 जा 12 7 5 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा पी एस का वैल्यू इतना आया। समझ में आया सबको, क्वेश्चन लेंथी था लेकिन ठीक है ना, सॉल्व करना पड़ता है। ओके चलो, आई होप ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन है, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीकेस टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 56 डेज, कैलकुलेट डीके कांस्टेंट, है ना, टाइम कितना दिया है 56 डेज, है ना, एन की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 एम नॉट, तुमको लैम्डा निकालना है। ठीक है, n का इक्वेशन क्या है, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, n नॉट बाय 10 इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, तो इक्वेशन क्या बच गया 1/10 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t, दोनों साइड का अपन रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 10 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा t, टेकिंग log to the base e of both sides, तो क्या आ जाएगा log 10 to the base e is equal to log to the base e e to the power lambda t, इसको to the base 10 consider convert करना है, 2.303 log 10 to the base 10 is equal to power सामने आ जाता है लैम्डा टी लॉग ई टू द बेस ई, लॉग ई टू द बेस ई वन, लॉग टेन टू द बेस टेन वन हो गया, तो 2.303 इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2.303 अपॉन टी का वैल्यू कितना है 56। अब इसको लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग 2.303 जीरो पॉइंट लॉग 56 वन पॉइंट, है ना, 2.303 का लॉग 23 का 03 में, 23 का 0 और 3 में मेन डिफरेंस 3623, 56 का जीरो में 7482, 8 3 - 2 1, है ना, 12 - 8 4 वन कैरी, 6 - 5 1 13 - 7 6 वन कैरी, बार 2 एंटीलॉग 0.61 का 41 में, 0.61 का 4 और 1 में मेन डिफरेंस 4112, है ना, तो 4.112 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सो डीके कांस्टेंट इज 4.112 10 टू द पावर माइनस 2। अब टी का यूनिट क्या था, डेज, तो ये आ जाएगा पर डे, है ना, तो सभी को समझ में आए सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ओके,
तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है उस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कुछ ही न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे. ओके टिल देन बाय एवरीवन.